जैसे कि आप सभी को पता है कि जीके का पार्ट जो होते हैं हर एक एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं, चाहे सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए सामान्य ज्ञान जो विषय जो है ज़्यादातर परीक्षार्थियों के लिए हाई स्कोरिंग माना जाता है। यानी अगर आपका जीएस मजबूत है तो आपके उस एग्जाम को निकालने में संभव ज़्यादा होती है। यानी कि अगर देखे जाए तो जीके का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, इसीलिए आप सभी के लिए हम जीके का क्वेश्चन लाते रहते अक्सर। तो अगर आप अपने जीके को अच्छे कर लेते हैं तो आप बैंक जा रहे हैं, एसएससी जा रहे हैं, सेल जा रहे हैं या रेलवे या कोई भी गवर्नमेंट नौकरी की तैयारी करना चाहते हैं तो आपको जरूर निकलेंगे। तो यहाँ पर भी हम आप सभी के लिए 10 मजेदार जीके का क्वेश्चन लाए हैं जो लोग अक्सर एक दूसरे से पूछा करते हैं, यहाँ तक इंटरव्यू में भी पूछे करते हैं। अगर आप तैयारी करें एसएससी का, रेलवे का, बैंकिंग का, सेल का, आरपीएस, आरपीएफ, यूपीएससी, जेपीएससी, एनी टाइप ऑफ गवर्नमेंट एग्जामिनेशन, देन यू हैव टू मस्ट वॉच दिस वीडियो, क्योंकि उसके लिए जो आपको इस वीडियो को देखना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि अक्सर इसी में छाटे हुए जो क्वेश्चन रहते हैं उसी में हम यहाँ पर लाए हुए। तो चलिए दोस्तों उन 10 मजेदार क्वेश्चन को आपको दिखाते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुके हैं, लिखे गए महाभारत में अश्वत्थामा द्रोणाचार्य के पुत्र के नाम के साथ साथ किस जानवर का नाम है? एक घोड़ा का नाम है, एक हाथी का नाम है, एक शेर का नाम है या एक भैंस का नाम है? किसका नाम है प्यारे दोस्तों, कमेंट लिखकर आप हमें जरूर हमारे साथ शेयर करें। उसके लिए 10 सेकंड का समय सीमा आपको दी जाएगी, 10 सेकंड के भीतर भीतर कमेंट करके जरूर बताएं इसकी सही आंसर क्या होना चाहिए। तो चलिए टाइमलाइन खत्म हो चुकी है, इसकी सही आंसर एक हाथी का नाम है। किसका नाम है प्यारे बच्चों, एक हाथी, यानी कि ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुके हैं, लिखे गए अपनी अवधि के क्रम में बढ़ते क्रम में निम्नलिखित में से कौन निम्नलिखित को व्यवस्थित कीजिए, यानी वर्ड्स को कीजिए, दिन, सप्ताह या महीना। ऑप्शंस ए होंगे, ऑप्शंस बी होंगे, ऑप्शन सी होंगे, ऑप्शन डी। यहाँ पर देखिए बढ़ते क्रम में आपको सजाना है, तो पहले कौन सा आएगा, फिर कौन सा आएगा, फिर कौन सा आएगा, कौन सा आएगा, इस टाइप से करके सजा के आप हमें 10 सेकंड के भीतर कमेंट बॉक्स में कमेंट छोड़ दें। जल्दी से फटाफट कमेंट लिखें, यह सारे क्वेश्चन बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है, इसीलिए नीचे कमेंट लिखकर जरूर बताइए। चलिए टाइमलाइन खत्म हो चुकी है दोस्तों, इसके सही आंसर देख लेते हैं। इसके सही आंसर है आपका बी सी डी ए, बी बी है, सी है, डी ए, बी सी डी ए, यानी कि ऑप्शन सी। जो कैंडिडेट ऑप्शन सी को क्लिक किया उनका जवाब बिल्कुल भी सही है, यानी कि पहले आपका दिन आएंगे, ठीक है, पहले दिन आएंगे, फिर सप्ताह आएंगे, ठीक है, फिर महीना आएंगे, फिर वर्ष आएंगे, इस प्रकार से आपको सजाने के लिए पूछे गए थे। तो आई होप आप सभी यह क्वेश्चन समझ चुके होंगे। अगला क्वेश्चन है, इन राजनीतिक आंकड़ों में से किसने किसी भी भारतीय सशस्त्र बलों में सेवा नहीं की है? राजेश पटेल, राजवर्धन सिंह राठौर, अमरिंदर सिंह, राजीव गांधी, किसने नहीं किए थे कमेंट बॉक्स पर आप हमें ज़रूर बताएं। इसके लिए कमेंट बॉक्स आप सभी के लिए खाली पड़े हुए हैं, फटाफट जुड़ जाएं और कमेंट बॉक्स पर कमेंट छोड़ें। तो चलिए देख लेते हैं इसके सही आंसर क्या होते हैं। इसके सही आंसर है राजीव गांधी। जो कैंडिडेट राजीव गांधी को क्लिक किए उनका जवाब बिल्कुल भी सही है। इसी प्रकार से आगे की ओर बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुके हैं, इन नदियों में से कौन सी भारतीय क्षेत्र में बहती है? झेलम नदी बहती है, चिनाब नदी बहती, ब्रह्मपुत्र नदी बहती या ब्यास नदी बहती है? कौन सी नदी बहती है कमेंट बॉक्स पर आप हमें ज़रूर बताएं। टाइमलाइन आपकी स्क्रीन पर स्टार्ट हो चुके हैं, फटाफट जुड़ जाएं। जो कैंडिडेट अभी तक नहीं जुड़े हैं वे सारे जरूर जुड़ जाएं। चलिए इसकी टाइमलाइन खत्म हो चुकी है, इसके सही आंसर देख लेते हैं। इसके सही आंसर है ब्यास, यानी कि भारतीय क्षेत्र से गुजरकर जो ब्यास नदी है वो गुजरती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुके हैं, लिखे गए कन्यादान और सप्तपदी दोनों अनुष्ठान निम्नलिखित अनुष्ठानों से संबंधित है, मतलब किस अनुष्ठानों से संबंधित है? अन्नप्रसन्न से, विवाह से, उपनयन से या गोद भराई से? बहुत इंटरेस्टेड क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर आप हमें बताएं इसके सही आंसर क्या होने चाहिए। टाइमलाइन खत्म हो चुकी है, इसके सही आंसर देख लेते हैं। इसके सही आंसर है विवाह। जो कि विवाह को क्लिक किए उनका जवाब बिल्कुल भी सही है।
आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिखे गए मुंशी प्रेमचंद ने किस काम का लिखा नहीं है, किस काम का लिखा नहीं है, बुद्धि काकी, निर्मला, गोड़ान या चंद्रकांत। जल्दी से नीचे कमेंट लिखिए, मुंशी प्रेमचंद के बारे में पूछा जा रहा है, कौन सा कहानी जो नहीं लिखे गए हैं उसके विषय में आप नीचे कमेंट लिखें। चलिए टाइमलाइन खत्म हो चुकी है, इसके सही आंसर देख लेते हैं। इसके सही आंसर है चंद्रकांत। जो कैंडिडेट चंद्रकांत को क्लिक किए उनका जवाब बिल्कुल भी सही है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन दिखाते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगर कोई कहता है जवाब को जुबान को लगाम दो, जबान को नहीं, जुबान बोले या जबान, जबान को लगाम दो, कहने का क्या मतलब होता है? चलाने के लिए कहा जाता है, कम बात करने के लिए कहा जाता है, गड़बड़ाने के लिए कहा जाता है, कम खाने के लिए कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से नीचे कमेंट लिखकर जरूर बताएं आप हमें। आपकी स्क्रीन पर टाइमलाइन स्टार्ट हो चुकी है, फटाफट कमेंट लिखे। जो कैंडिडेट कमेंट करना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट छोड़ें। बहुत अच्छे प्यारे दोस्तों कमेंट आ चुके हैं। इसके सही आंसर है कम बातचीत करने। अगर आप किसी से सामने ज़्यादा बातचीत कर रहे हैं तो उसके सामने आप बोल सकते हैं अपने जुबान को लगाम दो, यानी कि कम बातचीत करो, मतलब कम बोलो। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन दिखाते हैं। अगला क्वेश्चन है, इन खाद्य पदार्थों में से किस चीज़ को तैयार करने के लिए सामान्य रूप से रोलिंग पिन की आवश्यकता होती है? इडली को, समोसा को, हलवा को या बिरयानी को, किसकी होती है प्यारे दोस्तों? कमेंट बॉक्स पर आप जरूर हमें बताएं। इन खाद्य पदार्थों में से किस चीज़ को तैयार करने के लिए सामान्य रूप से रोलिंग पिन की आवश्यकता होती है? तो चलिए टाइमलाइन स्टार्ट हो चुकी है, इसकी सही आंसर है समोसा। अगर समोसा बनाना चाहते हैं तो उसके लिए जो है रोलिंग पिन होना बहुत ज़्यादा जरूरी होते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक आदमी हिंदी नीति वचन को पूरा करने के लिए रिक्त स्थान को भरे, घर की डॉट डॉट दाल बराबर होती है, बकरी बराबर होती है, बिल्ली बराबर होती है, मुर्गी बराबर होती है, गाय बराबर होती है। बहुत इंटरेस्टेड क्वेश्चन है, अक्सर यह क्वेश्चन लोग एक दूसरे से पूछा करते हैं, इसीलिए कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं इसकी सही आंसर क्या होने चाहिए। चलिए टाइमलाइन खत्म हो चुकी है, इसके सही आंसर देख लेते हैं। इसके सही आंसर है मुर्गी। कहते हैं कि घर घर की मुर्गी दाल बराबर, घर की मुर्गी दाल बराबर, इसीलिए सही आंसर होगा मुर्गी। तो दोस्तों यदि आपको हमारा मेहनत पसंद लग रहे हैं तो वीडियो को अभी तुरंत लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें, बेल का आइकन को दबाएं, ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट करें ताकि हमारा सारा वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो पाए। तो चलिए जिस क्वेश्चन का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे वह क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुके हैं। लिखे गए हैं, किस जानवर का दूध पीने से इंसान मर भी सकता है? बकरी का दूध, शेरनी का दूध, मादा हाथी का दूध या भैंस का दूध, किसका होंगे कैंडिडेट प्यारे दोस्तों? कमेंट बॉक्स पर आप हमें जरूर बताएं। टाइमलाइन आपकी स्क्रीन पर स्टार्ट हो चुकी है, फटाफट जुड़ जाए। यह क्वेश्चन अक्सर एग्जामिनेशन में बहुत ज़्यादा बार पूछे जा रहे हैं, अभी फिलहाल खास करके इंटरव्यू में भी तो पूछे ही जा रहे हैं। तो इसके सही आंसर बता देते हैं, इसके सही आंसर है शेरनी। यदि शेरनी का दूध कोई भी इंसान पी लेता है तो उसकी जो है मृत्यु भी हो सकती है। तो चलिए दोस्तों ये थे 10 इंटरेस्टेड क्वेश्चन के सवाल, ये कैसे लगे कमेंट बॉक्स पर आप हमें जरूर बताइएगा। अब चलते आज के सवाल की ओर। आज के सवाल है, निर्मल भारत अभियान कब बनाई गई थी? 2005 में, 1998 में, 1999 में, 1995 में, कब बनाई गई थी दोस्तों? कमेंट बॉक्स में आप इसका सही आंसर जरूर बताएं। और वीडियो पसंद लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट करें। तो फिर मिलते हैं कोई इसी प्रकार से इंटरेस्टेड क्वेश्चन के साथ, तब तक दीजिए इजाज़त। थैंक्स फॉर वॉचिंग।